सुबह मैं और मम्मी जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने। क्यों मम्मी? यस चले। चल तो रहे हैं। चल तो रहे हैं भाई। जा रहे। चल चल ध्यान से रोड रोड क्रॉस करना देख के। भागो भागो भागो। हेलो मम्मी बाल बाल बचे ना ओवरटेक के चक्कर में बस वाले ने इतनी पास से निकाली। चलो चलते हैं। कोई बात नहीं छटी है इतनी तो है ही जितनी आप सभी सभी कर रहे हो उतनी सभी है नहीं क्योंकि आप ना लिए ना हम बिना ना है यहाँ तक जा रहे हैं। मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो आप कर रहे हैं ना पूजा तो देख क्या मैं बैठे रहूंगा। ये तो इसका वो है बेड है गुरुगुरु भी कर रहा था बस उठे रहा समझदार डॉगी है गुरुगुर नहीं करता। चलो बढ़िया मंदिर पहुंच गए। चलो अंदर करो आप पूजा मैं यहाँ थोड़ी देर यहाँ खड़ा हूँ बाहर है ना। माता जी पूजा करने बढ़िया मंदिर बनाओ भाई। इधर देखो जली वालिया लगा के अंदर बालाजी का और शिव जी का मंदिर बना हुआ। इधर राधा गोविंद राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ मंदिर। तो भाई अभी मैं मम्मी और भैया जा रहे हैं गांव में क्योंकि गांव है शादी। एक आपको भी घुमाएंगे वहां पे शादी में एंजॉय करेंगे आराम से। आप लोग भी देखते रहना एंजॉय करना है ना। और ड्राइवर हमारा गायब है भाई। बिना ड्राइवर के चलती है टेस्ला। टेस्ला खरीद ली हमने ठीक है बिना ड्राइवर के चलती है मम्मी ठीक है। बाहर गए हैं भैया अभी आ जाते हैं। हमारा हमारा टेस्ला ऑटो पायलट आ जाता है अभी फिर चलेंगे। फिर युवराज भैया मिलेंगे वहाँ पे आगे उनको लेंगे और फिर गांव जाएंगे सीधे घर पे। और आप लोगों को हमारे गांव भी दिखाऊंगा घर भी दिखाऊंगा खेत भी दिखाऊंगा ठीक है। मस्त मजे आने वाले हैं। मैं भी गांव में बहुत दिनों बाद मैं शायद एक साल बाद जा रहा हूँ ना एनिवर्सरी भैया भाभी की एनिवर्सरी बाद नहीं गया शायद तो चलो चलते हैं। तो भाई हमारी सवारी फिर से चल पड़ी है और युवराज भैया आ गए हैं। ये देखो ये आगे खाना खा रहे हैं युवराज भैया भूख लग गई थी इनको। और रजत भैया चला रहे हैं गाड़ी। ये बैठी माता जी और मैं पीछे आराम से बैठ के जा रही हूँ। मालिक आखिर पीछे ही बैठते हैं और आगे ड्राइवर साहब चला रहे हैं। खलासी उधर बैठा हुआ ठीक है जिसको मैं चलाने आती वो बैठता है पीछे पीछे मालिक बैठता है भाई ठीक है। तो भाई चलते हैं अभी गांव में। और ये देखो यार बाहर इधर तो वैसे भी सूखा है कुछ मतलब फसल वसल कम होती है बारिश के सीजन में होती है लेकिन हम गांव की साइड उधर पानी ज्यादा है तो उधर तो फुहारे वगैरह से भी सिंचाई होती है। खेत दिखाता हूँ आपको बाग बगीचे आज चल के गांव में सब करेंगे मस्ती खूब सारी। यहाँ से अपन लोग डलवाएंगे पेट्रोल क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल हो गया है बहुत ही कम। पेट्रोल यहाँ पे क्या है प्राइस? हाँ डेंसिटी तो चलो बढ़िया है रेट 108.28 और ये देखो अपनी गाड़ी की टंकी है खाली। तो अभी इसमें डलवाते हैं और चलते हैं फिर आगे। तो यार मम्मी और रजत भैया हम दो व्लॉगर्स के बीच में फंस गए युवराज भैया और मेरे देखो दोनों चुपचाप बैठे हुए।
ये खेतड़ी में जो ये बोर्ड लगा हुआ है ना, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने एक छोटा सा उपवन अभ्यारण्य बना रखा है यहाँ पे। वही पहाड़ों के बीच से होते हुए पूरे मजे करते हुए जा रहे हैं। ये जो बाउंड्री की हुई ना, ये इस साइड में बाउंड्री तो उस जो वन अभ्यारण्य बना रखा है ना छोटा सा, उसकी बाउंड्री है, और ये उस साइड में जो है वो मिलिट्री एरिया है तो उसकी बाउंड्री है, वो ऊंची ऊंची है। और ये जो होटल बना हुआ है ना भाई, ये रिजॉर्ट बन रहा है भाई, बहुत ही शानदार बन रहा है। लोग ऐसे बोलते हैं कि वसुंधरा के जो बेटे हैं उनका है ये रिजॉर्ट, मुझे नहीं पता किसका है किसका नहीं है, लेकिन ये जो भी बन रहा है ना शानदार बन रहा है भाई, अंदर से काफी बड़ा है वो। भाई हम खेतड़ी पहुंच गए हैं और खेतड़ी से हमने ये कुछ पौधे ले लिए हैं, टमाटर बैंगन और मिर्ची के, क्योंकि घर पे लगा देंगे तो घर पे हो जाएंगे, घर पे ही घर का खाना हो जाएगा, सब्जी वगैरह है ना। तो भाई फाइनली घर के थोड़ा सा पास पहुंच गए हैं, और ये जो है यहाँ पे पानी थोड़ा कम है सिंचाई के लिए, पीने के लिए तो है लेकिन सिंचाई के लिए थोड़ा कम है। तो हर एक खेत में आपको फसल देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे इस वाले इलाके में, हम थोड़ा सा घर से दूर हैं अभी, और हमारी साइड में तो खूब पानी है, लेकिन ये 15-20 किलोमीटर के बाद ही मतलब ऐसा हाल है कि यहाँ पे पानी कम है। ये देखो किसी किसी खेत में फसल है, उस साइड वाले खेतों में फसल नहीं है, तो ये हाल है यहाँ पे। और हमारी साइड में तो खूब पानी है, तो वहाँ पे तो हर खेत में हरियाली हरियाली मिलेगी आपको देखने को। तो चलो चलते हैं घर पे भाई, ये रोड भी बहुत शानदार बना हुआ है एकदम। ये देखो भाई गांव में पहुंच गए हैं, और ये गांव के रास्ते हैं भाई, ये ऐसे होके जाते हैं। और यहां आपको देखने को मिलेगा हर खेत में हरियाली, हरे भरे खेत, और गाड़ी चला रहा है तुम्हारा भाई, मज़ा आ जाता भाई गांव के रास्तों पे, गांव में कार चला के, बाइक चला लो चाहे कार चला लो, खूब मज़ा आता है, ऑफ रोडिंग हो जाती है भाई, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली फील आती है। तो ये देखो भाई चारों साइड हरियाली है, ये चने उगा रखे हैं, आगे ये सरसों है पीले फूलों वाली, और ये जो बिल्कुल ग्रीन है ना ये गेहूं उगा रखे हैं। और अपना घर वहाँ है सामने उधर, यहाँ से घूम घूम के जाना पड़ेगा, आप लोग देखते रहो रास्ता और खूब सारी हरियाली है भाई, एंजॉय करो खूब दबा के। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट करके बताया करो ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे रास्ते भाई साइड देनी पड़ती है रोक रोक के गाड़ी है ना, ये देखो भाई। भाई ये पहुंच गए हैं घर पे, और घर पे सबसे पहले भाग के आएगा भाई टॉमी, और किसी का तो पता नहीं है लेकिन टॉमी जरूर आएगा भाई, वो सबसे पहले वही भाग के आता है। ये देखो गेट पे ही खड़ा हुआ है, कैसे पूंछ हिला रहा है, इसको पता चल गया गाड़ी आ गई। तो भाई घर पे पहुंच गए हैं, और पीछे बैठे देखो दादाजी, नमस्ते बाबा, हाय कर दो, ये देखो ठीक है गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, युवराज भैया उधर लोग शूट कर रहे हैं।
ये पीछे अपने घर है भाई, ठीक है, गांव में। और अभी मैं आपको बाहर दिखाता हूँ खेत वेत, बाद में डिटेल में बाद में बताएंगे, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पापा पापा यहाँ घूम रहे हैं। और पापा कैसे हो? ठीक हूँ। वो देखो माँ, मेरी दादी माँ, मेरी माँ, और ये मेरी माँ, मेरी माँ से मिलवाता हूँ भाई। ये अपना टॉमी, टॉम टॉमी, आजा आजा, ये देखो। नमस्ते माँ। अब लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। हाँ वीडियो बना रहा था। ये देखो ये पीछे अपने खेत है, सरसों वगैरह है, उधर भी पौधे वगैरह है, वो बाद में दिखाऊंगा कल के वीडियो में। आज तो पहुंच गए, तोते तोते पौधे नहीं है, ये तो बहुत बड़े पौधे हो गए, ठीक है। युवराज भैया कह रहे हैं तोते तोते पौधे हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज तो थक गए हैं। सामान वामान उतारेंगे, सब कुछ सेट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके बाय।